स्टारप्लस के पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में हमें जल्द ही एक ग्रैंड सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है, जहां पर सई और विराट को सात गानों पर डांस करते देखा जाएगा और इसी के साथ ही वो सात डिफरेंट लुक्स में भी हमें नजर आने वाले हैं। इसे लेकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मेकर्स ने ये ग्रैंड सीक्वेंस ऑडियंस के लिए प्लान किया है ताकि उनको इस ड्रामा के बीच में कुछ फ्रेश देखने को मिले। नील भट्ट, जो कि रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे डांसर है, वो इस सीक्वेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कूल थे, लेकिन आयशा इस सीक्वेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन नील ने आयशा को भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करवाया। दोनों एक्टर्स के लिए ये शूट करना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। तीन गाने एक दिन में शूट किए गए और चार गाने एक दिन में शूट किए गए। टेलीविजन की हिस्ट्री में ऐसा डांस परफॉर्मेंस नहीं देखा गया होगा। नील भट्ट जहां पर सिर्फ आउटफिट्स चेंज करने के लिए जाते थे, वहीं आयशा को सई के कैरेक्टर के लिए ना सिर्फ आउटफिट्स बदलने पड़े बल्कि उनको अपना मेकअप, हेयर सब कुछ चेंज करना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा। लेकिन फाइनली इस सीक्वेंस को शूट कर लिया गया है और ऑडियंस के सामने इस सीक्वेंस को अब जल्दी पेश किया जाएगा। सई के कॉलेज में विराट को भी डांस करते देखा जाएगा। सभी इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। नील तो अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्हें डांस करने का मौका मिला। नील को डांस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शो के क्रिएटिव डायरेक्टर ने बताया कि जब नील और आयशा को इस सीक्वेंस के बारे में बताया गया तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी इतने ग्रैंड लेवल पर होने वाला है। सैराट के फैंस को आज के और आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ही कुछ सीक्वेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, तो वो पूरी तरह से तैयार हो जाए स्टार प्लस पर ये शो देखने के लिए।